लाइफ है, लाइफ जैसी भी है, ये बहुत सारी अलग अलग तरह की सिचुएशंस अलग अलग लोगों को देती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। सबके साथ कुछ ना कुछ है, सब बाहर से हंसते हुए और बिल्कुल बहुत अच्छे और ऐसे ही नजर आते हैं, पर कुंठाएं सबके अंदर है, सबके अंदर कुंठाएं हैं, और सबको एक सपोर्ट की जरूरत होती है कि भाई एक हमें सेफ जगह मिल जाए जहां हम अपने मन की बात को कह सकें। सॉल्यूशन मिलता है, सॉल्यूशन नहीं मिलता है, वो सब सेकेंडरी है। एक सेफ जगह मिल जाए जहां पर जो दबा रखा है अंदर वो बोल तो सके, बता तो सके। कोई हम दूसरों के सामने कुछ भी कहने में झिझकते हैं। क्यों झिझकते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि हमें जज किया जाएगा। हम जैसी बात कहेंगे पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, मनी मन क्या धारणा बना लेंगे हमारे बारे में। हम डरते हैं इन चीजों से। तो हमें यह आदत डालनी चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए वो सेफ जगह बन सके, है ना, वो सेफ जगह जहां सामने वाला अपना दिल खोल के अपनी बात कह सके बिना इस डर के मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहा है। उत्तर सा भी हो जाए ना तो रिलीफ मिल जाता है, कुछ तो रिलीफ मिल जाता है। व्यक्ति जो हाँ जी मैम, डिप्रेशन होता है उसको लगता है मेरी सुनवाई कहीं हो जाएगी, कोई मुझे समझने की कोशिश तो करेगा, उतना ही काफी होता है। मैं एक बात बताऊं, हम इतनी बातें सुनते हैं, है ना, हम इतने लेबल्स लोगों को देते हैं, किसी के लिए कह देते हैं मंद बुद्धि, कह देते हैं ना मंद बुद्धि कहते हैं, हाँ, जी किसी के मैम, लिए हम कहते हैं मेंटली रिटार्डेड, पता नहीं हम क्या क्या कहते हैं। अब एक बात सुनो कि तुम कंप्यूटर में या तुम्हारे मोबाइल में तुम दुनिया भर की वीडियोस डाउनलोड कर लो, दुनिया भर का फाइल और फोल्डर डाउनलोड करके रखो, क्या होगा तुम्हारे कंप्यूटर का या क्या होगा तुम्हारे फोन का? वो हैंग करेगा। हैंग करेगा या नहीं करेगा? गुड इवनिंग शिवानी, हैंग करेगा या नहीं करेगा? करेगा मैम, जरूर करेगा। काम करना बंद हो जाएगा, काम करना हाँ बंद हो जी, जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा, स्पीड नहीं होगी तुम्हारे मोबाइल फोन की, जिस स्पीड जी में मैम, डाउनलोड होना चाहिए, जिस स्पीड में इंटरनेट चलना चाहिए, सब स्लो हो गया। हो गया ना, उसी तरह से ईश्वर कांश तो हर इंसान में, पर हम सबने अपने दिमाग में सैकड़ों कचरा पाल रखा है, खुद के बारे में, खुद के बारे में पाल रखा है। भाई दूसरे ने हमारे साथ क्या किया, किसी और ने हमारे साथ क्या व्यवहार किया, या हमारे घर वालों ने हमें कैसे ट्रीट किया, यही काफी है। बचपन से लेके आज दिन तक हम उन चीजों को देखते देखते अपने बारे में पता नहीं क्या क्या धारणाएं बनाकर बैठे जिसका हमें कुछ पता ही नहीं है। और वो कचरा जब बहुत ज्यादा हो जाता है, आउट ऑफ लिमिट कचरा खुद के बारे में, अब उस व्यक्ति का वो जो एक दिमाग है अंदर वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई। कंप्यूटर खराब है क्या? अगर कंप्यूटर हैंग करता है तो कंप्यूटर खराब है क्या? नहीं, कंप्यूटर थोड़ी खराब है। आप जैसे ही वो अनवांटेड वीडियोस और फाइल्स एंड फोल्डर्स को कम कर देते हो, कंप्यूटर फर्राटे से तेज चलता है, रफ्तार से चलता है, चलता है या नहीं चलता है? बस वो जी का मैम, वो हाल है व्यक्ति के दिमाग का। और व्यक्ति का दिमाग ओवर क्राउड हो जाए दुनिया भर की बातों से, दुनिया भर की धारणाएं खुद के बारे में, तो अपने आप ही स्पीड कम हो जाती है। फिर हम कहते हैं ये व्यक्ति डल है, ये व्यक्ति मंद बुद्धि है, इस ये मेंटली रिटार्डेड है। क्या होता है मेंटली रिटार्डेड? ईश्वर ने किसी को मेंटली रिटार्डेड नहीं बनाया, इंसान खुद अपने आप को ऐसा बना लेता है। क्यों? क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाता वो इतना सारा इंफॉर्मेशन जो उसके अंदर है, इसलिए वो हैंडल नहीं कर पाता, नहीं हैंडल कर पाता, ये नहीं समझ पाता। भाई बचपन देखो, एक एक चीज तुम सुनो, आज तुम और शिवानी हो क्या यहाँ? कौन कौन है यहाँ? हाँ शिवानी और तुम हो। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब दो। तुम एक ट्रेजिडी को एक किताब में पढ़ते हो, क्या होता है? पढ़ते हो, है ना, कुछ कुछ हद तक। हाँ, बड़ा बुरा लगा,
बात खत्म। यही हुआ ना कि तुमने ट्रेजेडी को बुक में पढ़ी तो तुम रोने गाने नहीं लगे, तुमने केवल पढ़ा, कुछ समय के लिए तुम्हारे दिल में एक फीलिंग रही, खत्म हो गई बात, इंस्टेंटली खत्म हो गई। तुमने ज्यादा कुछ फील वील नहीं किया, तुम रोए गाए तो बिल्कुल भी नहीं, है ना, क्योंकि तुमने सिर्फ उसको पढ़ा है। अब तुम उसी ट्रेजेडी को सिनेमा हॉल में जाकर एक फिल्म की तरह देखो। अब लाइटें सारी बंद हो गई, सिनेमा हॉल में अंधेरा है, और अब वो पूरा पूरी स्टोरी जो तुमने किताब में पढ़ी थी, अब वो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो। अब क्या होता है, उसी ट्रेजेडी को तुम स्क्रीन में देख रहे हो। अब उसमें ऑडियो भी है, साउंड्स भी है, उसमें विजुअल्स भी है, तुम्हें दृश्य देखने को मिल रहा है। क्या होता है, तुम रो पड़ते हो, ज्यादा हाँ रोना आ जाएगा, रोना आ जाता है। क्यों रोना आता है, क्योंकि तुम्हें किताब पढ़ते वक्त तुम्हें रोना नहीं आया, पर जब तुमने उसी स्टोरी को स्क्रीन पर देखा तो तुम्हें रोना इसलिए आया क्योंकि कुछ समय के लिए तुम भूल गए कि तुम कौन हो, तुम भूल गए तुम ज्योति हो, तुम शिवानी हो, मैं भूल गई मैं मीनाक्षी हूं, मैं बिल्कुल घुस गई उस कैरेक्टर में और मैं वो बन गई, और मैंने उसके दुख को महसूस किया अपने दुख की तरह, और मैं रो पड़ी। यही हुआ ना जी मैम, इसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। देखो अपन सब यहाँ आए हैं, ठीक है, अपन सब यहाँ पर आए हैं, अपन अपने संग क्या लेकर आए हैं, मैं आई हूं, तुम आई हो, कोई और आया है, वो आया है, वो आई है, हम अपने संग क्या लेकर आए हैं, हम एक पेन ड्राइव लेकर आए हैं, ओके। अब सिर्फ पेन ड्राइव से तो काम नहीं चलेगा, पेन ड्राइव में क्या है, उस पेन ड्राइव में आखिर क्या है, उस पेन ड्राइव में गलत सलत दुनिया भर की धारणाएं और सूचनाएं हैं, किसकी हैं, किसकी हैं, तुम्हारी, तुम्हारे मम्मी की, तुम्हारे पापा की, तुम्हारे नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, चाचा, एवरीवन, सबने जो सोचा, सबने जो महसूस किया, सबने अपने लाइफ में जो भोगा, वो सारी डेटा, वो सारी सूचना उस पेन ड्राइव में है जिसको हम रॉन्ग माइंड कहते हैं। इसलिए तुम रॉन्ग माइंड को लेकर, तुम रॉन्ग माइंड नहीं हो, तुम रॉन्ग माइंड को लेकर आए हो, पर उस रॉन्ग माइंड में है क्या, कैसे दिखेगा, इसलिए तुम एक कंप्यूटर विथ अ स्क्रीन की आवश्यकता पड़ी, तो तुम ये बॉडी लेकर आए, और केवल ये बॉडी तुम लेकर नहीं आए। इंसान इस गलत फहमी में रहता है कि मैं हूं, मैं अलग हूं, नहीं भाई नहीं। अब तुम क्या करोगे, तुम अपनी बॉडी लेकर आयो कंप्यूटर विद द स्क्रीन, सांस आई, इंटरनेट चालू हो गया। अब बात को समझो, मैं जिस पेन ड्राइव की बात करती हूँ उसकी सच्चाई को समझो। अगर ये तुम्हें केवल पढ़ने को मिलता, किसी तरह तुम्हें केवल पढ़ने को मिल जाता, मेरे पेन ड्राइव में यह 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 ये अनुभव है, ये अनुभव है, ये अनुभव है, ऐसी फीलिंग है, ऐसी फीलिंग है, तो तुम रोते नहीं, तुम नहीं रोते, क्योंकि तुम्हें पता है तुम किसी और की कहानी पढ़ रहे हो, तुम नहीं रोते, तुम अपने नाना की कहानी पढ़ रही हो, नानी की पढ़ रही हो, दादा की पढ़ रही हो, दादी की पढ़ रही हो, पापा की पढ़ रही हो, मम्मी की पढ़ रही हो, मौसी की पढ़ रही हो, चाचा की पढ़ रही हो, जाने किस किस की पढ़ रही हो, नहीं रोना आएगा, पढ़ रही हो। पर जब तुम उस कंप्यूटर को उस पेन ड्राइव को कंप्यूटर से लगाते हो, और जब कंप्यूटर से लगाती हो तो वो चीज स्क्रीन पे खुलती है, अब वो फिल्म बन गई। अब क्या होगा, तुम उसको देखोगे और उसमें घुस जाओगे और तुमको लगेगा वो मैं हूं, ये लाइफ है। तो तुम दूसरों के साथ हुई सारी चीजों को देख देख कर, जब तुमने फिल्म देखा था सिनेमा हॉल में, तुम वो हीरोइन थी क्या, नहीं थी, वो तो हीरोइन की कहानी चल रही है, हीरो की कहानी चल रही, हीरोइन की कहानी चल रही, तुम्हारी कहानी थोड़ी चल रही है। फिर भी तुम सहृदय हो गए उस कैरेक्टर के साथ, तुम एक हो गए उसके माइंड और फीलिंग के साथ, और तुम रो पड़े या नहीं रो पड़े, वो का वो लाइफ है। जो देख रहे हो लाइफ में
उसके साथ एक डिस्टेंस डालना सीखो, डिस्टेंस डालना सीखो। कैसे डिस्टेंस डालते हैं हम, डिस्टेंस कैसे डालते हैं किसी चीज से, है ना। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, आई गिव यू एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है। अब कल्पना करो कि एक घर में दो बहनें हैं, इमेजिन करो एक घर में दो बहनें हैं, और वो जो बड़ी बहन है उसे somehow ये महसूस होता है कि मेरी छोटी बहन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरी कोई नहीं सुनता और ये छोटी की सब सुनते हैं, बल्कि कोई बात होती है तो मुझे से कहा जाता है कि तू बड़ी है ना, तू समझ, उसको दे दे। और इसलिए वो जो बड़ी वाली बच्ची है वो एक धारणा बना लेती है अपने साथ, अपने बारे में, मेरे साथ तो लाइफ में यही होगा, मुझे तो लाइफ में यही मिलेगा, वॉट एवर इट इज, वो धारणा खुद के लिए बना लेती है। अब ये तो बहुत बचपन में हो गया, अब ये बड़ी होगी, स्कूल बोल जाएगी, है ना, स्कूल जाएगी, फिर क्या होगा, आप सुनो मजे की बात, प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को, प्लीज म्यूट करो। सो नाउ ये लड़की बड़ी होती है, स्कूल जाती है, आ जाती है क्लास 8, 9, 10, 11, 12, ओके। अब इसकी एक पक्की सहेली बन गई, पक्की वाली सहेली बन गई, और फिर उस पक्की सहेली के साथ ही बहुत हैप्पी एंड बहुत खुश है उस सहेली के साथ, ये सहेली मुझे बहुत पसंद करती है, मैं भी इसको बहुत पसंद करती हूँ, एक अच्छा वो बन बॉन्ड बन गया। एक नई लड़की आती है उसी क्लास में, एडमिशन लेती, और समहाउ इन दोनों लड़कियों की उस लड़की से दोस्ती हो जाती है। अब ये लोग तीन हो गए। अब ये वाली लड़की ए जो बचपन से ये फील कर रही है कि छोटी वाली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मेरे को तो पूछते ही नहीं है, मेरी तो सुनवाई ही नहीं होती, ये क्या पाएगी, क्या महसूस करेगी, इसको लगेगा कि ये मेरी पक्की वाली सहेली जो है ना वो इसको इंपॉर्टेंस देती है, मुझे नहीं देती। सुनो, इसको इंपॉर्टेंस देती है, मेरी इंपॉर्टेंस कम हो गई, ये इसको, हम दोनों में से ये इसको पसंद करती है ज्यादा। अब अपने को लगेगा कि ये फैक्ट है, ये तीनों सहेलियां हैं और समहाउ कुछ ऐसा हो गया, पहले ये दोनों बड़ी खास थी, फिर वो तीसरी आई, फिर वो दोनों बड़ी खास हो गई और ये जो है ये पीछे रह गई, समथिंग ऐसा महसूस होगा। अब सुनो, अब इस लड़की, इसको अपन ने ए नाम दिया है, इस लड़की को क्या समझना है, इस लड़की को ये समझना है, अगर ये, इसके पास चॉइस है, या तो ब्लेम करे कि ये दोनों अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ, और ये मेरी सहेली तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही, इसके साथ इतनी बड़ी दोस्ती कर ली इसने और मेरे को तो छोड़ दिया इसने, मतलब एक तरफ कर दिया, भूल गई, इन द सेंस कम, हम तीनों अभी भी साथ रहते हैं, साथ ही खाना खाते हैं, टिफिन साथ खाते हैं, क्लास में साथ बैठते हैं, सब कुछ साथ करते हैं, पर इसके दिल में ये चल रहा है कि ये मेरी पक्की वाली सहेली ने इसको प्रेफरेंस दे दी और मुझे कम प्रेफर करती है वो। अगर ये, इसके पास चॉइस है ब्लेम और रेस्पॉन्सिबिलिटी, या तो ये ब्लेम कर ले, ये ऐसा हो रहा है मेरे साथ, बहुत अनजस्ट है, मैं तो इसके लिए सब कुछ करती हूँ, ये तो कुछ करती भी नहीं है उसके लिए, फिर भी ये उसी के पीछे भागती है, ये सारी चीजें आएंगी, ये ब्लेम कर ले, या ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ले इस बात की कि हाँ मैं ऐसा कुछ फील कर रही हूं, पर ये फीलिंग मैंने पहले कब फील किया है, उसको ये एग्जामिनेशन करना होगा, मैंने ये फीलिंग कब पहले फील करी, तो वो अपने बचपन तक चली जाएगी जहां उसको लगेगा कि हाँ मेरे घर पे मैंने ऐसा बचपन में फील किया है कि मेरे पेरेंट्स मेरी छोटी वाली बहन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, मेरी सुनवाई कम होती है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब उसको ये समझना पड़ेगा
कि मैं बचपन वाली फिल्म को अभी देख रही हूँ। ये एक फिल्म है जो मैं देख रही हूँ, मैं, मेरी सहेली और वो दूसरी नई जो आ गई, और इन दोनों के बीच जो हो रहा है वो फिल्म मैं बैठ के देख रही हूँ। पर अब की मुझे उनमें घुस के रोना गाना नहीं है, मुझे समझना है फिल्म है ये, तो मेरी फीलिंग को मैं देख रही हूँ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ मैं ये सब महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैं इसके साथ बिल्कुल, मैं उस पास्ट को समझ नहीं पा रही कि वो वहां से आ रही है। अगर मैं उस चीज को समझ पाऊं तो मैं इस चीज को सिर्फ एक फिल्म मानकर इसको मैं यही डिलीट मार सकती हूँ। और अगर वो काम ईमानदारी से किया जाए तो ये पाया जाएगा कि समहाउ वो पुरानी वाली जो सहेली वो वापस इसी के साथ बॉन्डिंग में वापस आ जाएगी। पर ऐसा अक्सर होता नहीं है, व्यक्ति उस चीज को देखकर उसको इतनी बड़ी सच्चाई मान लेता है, वो उसके आगे कुछ सोचना ही नहीं चाहता, बस यही है जो भी है। हाथी को 6 अंधों ने पकड़ा, एक ने टांग पकड़ी और कहा ये पेड़ का तना है हाथी, बस यही है हाथी, पूरा हाथी यही है। हम जिस चीज के सिचुएशन से लाइफ में गुजरते हैं हम उस सिचुएशन को पूरी की पूरी सच्चाई मान लेते हैं, इसमें और कुछ है ही नहीं, यही है सच, इसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है। अब तुमने अपने माइंड की सारी पॉसिबिलिटीज को बंद कर दी। इमेजिन करो एक बिजनेस फैमिली है और उस बिजनेस फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है, एक लड़का पैदा होता है। वो ये देखता है कि दादाजी जो हैं, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, सडनली क्रैश हो गया और जो भी कुछ हुआ। अब इस बच्चे के पिताजी हैं, उनका भी बिजनेस है, दादाजी का बिजनेस अब क्रैश हो गया, तो इसने अपने नए सिरे से नए तरीके से अपना कोई धंधा जमाने की कोशिश करी, धंधा जमाया, थोड़ा बहुत चला भी सही, ठीक ठाक चला भी सही, कुछ समय तक चला बढ़िया, घर का खर्चा वर्चा सब चल जाता था, बच्चे पढ़ लिख गए, बढ़िया पढ़ाइयां हो गई, सब हो गया, बढ़िया हो गया। पर अब वापस वही सिचुएशन आ रही है, बिजनेस क्रैश करने के पॉइंट पे, और क्रैश हो भी जाता है। अब ये जवान बेटा है जो पढ़ाई लिखाई कर गया, अच्छी पढ़ाइयां कर गया, और इसने अपने घर में ये हिस्ट्री में देखा है, और अब ये क्या करता है, देखो जिस सिचुएशन को हम देखते हैं हम उसको सत्य मान लेते हैं। माइंड आपका इतना पावरफुल है कि वो आपको सब कुछ दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। पर इस लड़के ने, हाँ ऐसे ही होता है, बिजनेस जमता है फिर आगे पीछे बिजनेस का भरोसा नहीं है, क्रैश भी हो जाता है, लॉसेस हो जाती, धारणा बन गई। फिर उसने अपने फादर के थ्रू उसको अनुभव किया, खुद बिजनेसमैन बनना चाह रहा है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, पर दिल ही दिल में उसका सपना है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस जमाऊं, चाहे मैं आज कितनी अच्छी नौकरी में हूं, मैं तो बिजनेस करना चाहता हूं। पर वो डर इसको रोक देगा, और इसमें इतनी पोटेंशियल है, इसमें इतना टैलेंट है, और ये इतना कुछ कर सकता है, करेगा ही नहीं, क्योंकि माइंड ने बस यही है सच, यही है पूरा हाथी, बिजनेस जम भी जाए तो कोई भरोसा नहीं है, वो आगे पीछे क्रैश होता ही है, खत्म कहानी। तो उसने अपने माइंड को कोई नई पॉसिबिलिटीज नहीं दिखाई। देखो जब भी दुनिया में कुछ भी होता है वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। जब किसी के घर में चोरी होती है अपन उस चीज से बहुत डरते हैं, भाई ये बाई है, ये बाई ने ना चोरी कर ली, उनकी घर में उनकी बाई ने चोरी कर ली, ये हो गया, वो हो गया, समथिंग हैपेंड, उसके बेसिस पे हम सारी बाइयों के बारे में एक धारणा बनाते हैं, बाइयों पे भरोसा नहीं कर सकते, अरे पड़ोस में वो ऐसा हो गया, वो उधर पीछे वाली गली में उनके ऐसा हो गया। वी लुक एट दीज थिंग्स जो कि उन लोगों के पर्सनल ट्रूथ्स हैं, वो अनुभव उन दोनों के बीच जो हुआ वो बाई और नौकरानी और मालकिन के बीच, वो उनका पर्सनल इक्वेशन था। हम उसे देखकर हम उसको तथास्तु कर देते हैं, हाँ ऐसा ही होता है, ये भाइयों पे बिल्कुल भरोसा, अब आपने उस चीज को अपने पास बुला लिया,
क्योंकि आपने उसको सच ठहरा दिया कि हाँ होता है ऐसा दुनिया में। आप जिस चीज को सच ठहरा देते हो उस चीज को भोगे बगैर नहीं रहोगे भाई, उस चीज को भोगे बगैर नहीं रहोगे। हम देते हैं ये लेबल्स, हम कहते हैं मेंटली रिटार्डेड, ये वो मंद बुद्धि, पता नहीं क्या क्या करते हैं, डिप्रेशन, क्या क्या लेबल्स दे देते हैं, और हम देते हैं और हम ये रियलाइज नहीं करते कि हम सब कैरी कर रहे हैं। दुनिया भर का ट्रक भर के कचरा हम लेके भी आए और खुद ने भी उसमें इतना सारा जोड़ रखा, और हमारे बच्चे हैं या बच्चे होंगे आगे होंगे। तुम लोगों को अगर मैं इतना टाइम देती हूँ तो उसके पीछे एक ही रीजन है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इन बातों को समझो और अगली पीढ़ी को मत दो भैया कचरा, यहीं के यहीं ठीक कर लो। क्योंकि अगली पीढ़ी को देते हो तो फिर तुम उस चीज को, इंसान के ऊपर कुछ भी होता है इंसान झेल लेता है जैसे तैसे, पर हम बचपन में कहानी पढ़ते थे ना, हम कहानियां पढ़ते थे, जादूगर की जान तोते में है, पढ़ते थे जादूगर की जान तोते में है, तोते का गला मरोड़ दो जादूगर मर जाएगा, पढ़ते थे ना, यही है वो बात। इंसान नहीं सीखता, जब उसके ऊपर मुसीबत होती है तो वो उस चीज को झेल लेता है, कैसे भी चल जाता है, बट जब उसके बच्चों पे कोई बात आने का डर होता है तो वो, या देखता है उसको लगता है कि मेरे बच्चे पे कोई बात आ रही है, तो वो सीधे बैठ के अब सीखने को तैयार हो जाता है, नहीं नहीं मेरे बच्चों पे ये बात नहीं आनी चाहिए। और आज सबसे ज्यादा लोग जो परेशान हैं वो परेशान इस बात से हैं कि उनके बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वो माँ बाप खुद के अंदर किसी चीज को देख कर समझ, और कौन समझाए, ये बातें स्कूलों में पढ़ाते हैं क्या, ये बातें कॉलेजेस में हम पढ़ते हैं क्या? जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई है वो तो नहीं पढ़ाया जाता। तुम्हारे फिजिक्स में 2 नंबर कम कैसे आए, और तुम्हारी जुआलॉजी में 1.5 नंबर कम कैसे आए, और तुम्हारे मैथ्स में 10 में से 10 क्यों नहीं आए, ये तो बहुत बड़ा टेंशन है। ये पढ़ाइयां बहुत जरूरी है, पर इन सबको पढ़कर भी हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? जो बेसिक पढ़ाई है वो तो कोई भी कहीं पे भी नहीं सिखा रहा। उस चीज को सीखना सबसे पहले जरूरी है ना, कि आप चीजों को ढंग से देखो, वहां कुछ हो रहा है वो उनकी सच्चाई है, वो चीज तुम्हारे पास नहीं आ रही, डरना छोड़ दो, डरना बंद कर दो। कितने लोग हैं जो अभी पास्ट फ्यू वीक्स में, कितने लोगों से मेरी बात हुई है, अभी अपन के सेकंड ग्रेड की क्लास ले रही थी मैं, सेकंड ग्रेड के बाद सॉरी फर्स्ट ग्रेड की क्लास ले रही थी, उसमें एक लड़की है जो कह रही थी, मैम हमारे पूरे घर में हम सबको कोरोना हो गया, मेरा भाई, हम लोग कहते रहे दूर रहे, मेरा भाई मान ही नहीं, कहता है मेरे कुछ नहीं होने वाला, उसने हम लोग का इलाज भी कराया, अपने दोस्तों को भी भर्ती कराने गया, सब कुछ उसने किया, उसको नहीं हुआ, क्योंकि उसके माइंड में वो पॉसिबिलिटी थी नहीं होगा मुझे, और बाकी लोगों के दिमाग में हाई कोरोना पड़ोस में आ गया हमको भी आ सकता है, वो हवा में है तो भी हमको आ सकता है। ऐसे लोगों को कोरोना हुआ और वे मर गए जो अपने घर में बंद थे, कहीं से कोरोना नहीं आ सकता था, ना बाई आ रही थी ना कोई आ रहा था, इतना प्रिकॉशन, इतना सैनिटेशन, इतना मास्क और इतना वो, और घर में बैठे बैठे हो गया, मर गए। और ऐसे लोगों को नहीं हुआ जो कोरोना पेशेंट्स के बीच उठ रहे हैं, बैठ रहे हो, सब कुछ कर रहे हैं, लोगों को दिखाने जा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड है उनको कुछ भी नहीं हुआ। क्या है फर्क, क्या है? आपने आप अपने माइंड को सिखा क्या रखा है? आपने अपने माइंड को डर सिखा रखा है, डरने वाली चीज है, लाइफ डरावनी है, लोग भरोसे के नहीं है, दुनिया में किसी का भरोसा नहीं है, अपन को अपना करना पड़ेगा, या कोई कोऑपरेट नहीं करता, या किसी चीज पर हम डिपेंड नहीं कर सकते, हमें अपने आप को बचा कर चलना पड़ेगा। वी आर डूइंग ऑल दिस, हमारी ये फीलिंग है भाई। अगर ये फीलिंग है तो तुम इसे भोगे बगैर कैसे रहोगे? और अगर तुम्हारी एक जनरल फीलिंग है कि लाइफ बहुत सेफ है, लाइफ में सब लोग चाहे कैसे भी हैं सब ठीक है, वो तुम्हारे पास जो दूसरों का गला रेतते हैं ना, वो तुम्हारे पास नहीं आने वाले, तुम उन्हें दूर से ही वो कर दो।
हर इंसान के अंदर बस ये सीख जाओ कि वो दिमाग से भटक गया, अपनी सच्चाई से भटक गया। इस जगह पे आओ, इंडिविजुअल के लिए मत आओ, किसी ने किसी का गला रेता ओ वो भटक गया, ये ईगो है। हर इंसान के लिए आओ, हर इंसान के लिए जनरली आओ, जितने भी लोग हैं, चाहे वो कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं, चाहे अपने घर में कर रहे हैं, चाहे बाहर कर रहे हैं, चाहे लड़कियों के साथ कर रहे हैं, चाहे बूढ़ों के साथ कर रहे हैं, चाहे बच्चों के साथ कर रहे हैं, चाहे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वो सब अपनी अपनी सच्चाई से भटक गए। इस चीज को जब तुम 100% यहाँ बिठा लोगे और यहाँ से तुम्हारे दिल में उतर जाना चाहिए और तुम्हारे पेट तक, सबकॉन्शियस माइंड तक जाना चाहिए, जब ये चीज हो जाती है, अब कोई आकर तो बता दे, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आ पाएगा। देखो, घरों पे लगे हुए ताले टूट जाते हैं और कई घर खुले रह जाते हैं, लोग ताला लगाना भूल जाते हैं, चले जाते हैं सुबह से शाम तक, वापस आते हैं सब सुरक्षित है, कोई गुस्सा ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो दिस इज व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस। ये आपका वर्ल्ड व्यू है, ये आपका वर्ल्ड व्यू है। अगर आपका एक जनरल ह्यूमैनिटी के प्रति एक कंपैशनेट एटीट्यूड नहीं रहा, तो आपको वो कंपैशनेट एटीट्यूड सीखना ही पड़ेगा। और लाइफ एक स्कूल है जहां आप रोज रोज ऐसी चीजें देखोगे, सुनोगे, और आपको एक ना एक दिन बैठकर सीखना पड़ेगा। जब वो चीज आपके घर पे आ जाएगी, तब आप बैठकर सीखोगे, क्योंकि लाइफ का पर्पस ही वो है। हम यहाँ मकान, दुकान, गाड़ी घोड़े, बंगले, प्रॉपर्टी, मॉल बनाने, मल्टी स्टोरीज बनाने, बिजनेसेस बड़े बड़े खड़े करने, इसके लिए नहीं आते। हाँ, हमारे पास बॉडी है, बॉडी को कंफर्ट का पूरा हक है, इसलिए सबसे ज्यादा कमाओ, अच्छे से अच्छा कमाओ, अच्छे से अच्छा पहनो, अच्छे से अच्छा खाओ, और ये सोचो कि सब कुछ यहाँ छूटना है, इसलिए सब भोग लो। पर इन सबके ऊपर जो काम है, वो काम तो करना पड़ेगा, वो माइंड ट्रेनिंग वो तो करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं कर रहे तो फिर यहाँ आना बेकार हो गया। कचरा लेके आए थे, कचरा लेके वापस चले जाएंगे, डबल कचरा लेके अगली बार वापस चले आएंगे, चलता ही रहेगा ये। तो ये चीज तो सीखनी है कि हर मनुष्य, चाहे वो कितना गलत, उल्टा सीधा, टेढ़े मेढ़े, पता नहीं क्या क्या काम होते हैं, सब अपनी सच्चाइयों से भटके हुए हैं। बस जब आप एक जंगल में खो जाते हो, आपको रास्ता साफ नहीं दिखता, आप कभी यहाँ घूमते हो, कभी वहां घूमते हो, कभी इधर टकराते हो, कभी वहां भिड़ जाते हो, कभी क्या, रास्ता ही नहीं दिखता आपको। आप अपनी सच्चाई से दूर चले जाओ तो आपको कोई रास्ता नहीं दिखेगा। फिर आप किसी का गला भी रेत सकते हो, आप किसी के साथ रेप भी कर सकते हो, और क्योंकि आपको कोई रास्ता नहीं दिखता अपने आप को बाहर लाने का, आप अपने झूठ को एक भ्रम वाली दुनिया में जी रहे हो और वही आपकी सच्चाई बन चुकी है। बस इसको आप कुछ भी नाम दे दो, बट दिस इज द ट्रूथ। इसलिए यू शुड ऑलवेज, वो जो मैं चार फ्रेज, वो चार लाइन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू बोलती हूँ, वो बहुत पावरफुल है। उसका पावर क्या है? देखो, ब्रेन से रिलेटेड डॉक्टर्स और साइंटिस्ट कहते हैं एक दिन में 50,000 से 80,000 थॉट्स हमारे मन में आते हैं। हम किताब और पेन लेके लिखने लग जाएं तो हमें तो 50 थॉट से ज्यादा याद नहीं आएंगे कि आज सुबह से रात तक मैंने क्या सोचा। 50 से ज्यादा 100 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर वो 50,000 80,000 थॉट्स कहाँ चल रहे हैं? हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चल रहे हैं, और हर घड़ी, हर पल एक ना एक थॉट उठा हुआ रहता है, उस अनकॉन्शियस माइंड में उठा हुआ रहता है। आप चैंट करते हो तो आपने उसको हटा दिया, आप चैंट करते हो आपने उसको हटा दिया, आप चैंट कितना ही चैंट करो, एक दिन में 50,000 80,000 थॉट सोचो, कितना ही चैंट करो, कम है। पर ब्यूटी ये है, ब्यूटी ये है कि जैसे ड्राइविंग हम सीखते हैं, तो पहले 15 दिन हम कॉन्शियसली ब्रेक लगाते हैं, गियर शिफ्ट करते हैं, बहुत ध्यान से चलाते हैं। 15 दिन बाद क्या होता है? आप ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हो, आप बातें फोन पे कर रहे हो, गाड़ी चल रही है, कौन चला रहा है? सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है।
आप जब इस चैंट को हैबिचुअल बना लेते हो, रात दिन उठते बैठते सोते जागते आप ये चैंट कर रहे हो, तो वो सबकॉन्शियस हो जाता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे अपने आप ही चलाएगा और आने वाले थॉट्स को आपके दिमाग तक आएगी नहीं जिससे पहले वो हटा देगा। पर्पस ये है उस चैंट का, आप इसको इतना बड़ा हैबिट बना लो कि आप कॉन्शियसली कम कर पा रहे हो पर सबकॉन्शियसली माइंड करता जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है हम छोड़ दें उसको, करते तो रहे। अगर आप ड्राइविंग सीखते हो, मैंने बहुत अच्छी ड्राइविंग सीखी, मैं इंदिरा मार्केट में ड्राइव करती थी, दशहरे मेले में ड्राइव करती थी, मुझे 17 साल हो गए मैंने ड्राइवर रखा, मैंने गाड़ी कभी हाथ लगाया ही नहीं। आज मेरे से कोई कह तो दे किस गाड़ी को, मेरी गाड़ी बरसों से बाहर खड़ी है ना, उसको मैं रिवर्स करती हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं होता, उसका नया बैटरी डलवा के वो डाउन हो गया, उसका टायर फ्लैट है, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं भूल गई, मेरा माइंड भूल गया। तो वो प्रैक्टिस जरूरी है, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही छोड़ दो, आप चैंट करो लगातार, करते रहो जब तक वो सबकॉन्शियस ना हो जाए। एक बार सबकॉन्शियस हो जाए इसका ये मतलब नहीं है कि आपका काम खत्म, आप कभी मत करो, थोड़ा थोड़ा फिर भी रोज करो। अगर मैं रोज थोड़ा थोड़ा ड्राइव कर लेती तो आज मैं इस तरीके से भूल के डर के बैठी नहीं रहती। अब मैं कोटा की ट्रैफिक को देखती हूँ, मुझे लगता है ओहो मेरे से तो नहीं संभले, मैं नहीं कर सकती ये सब, इधर से एक बाइक वाला लेके आता है, उधर से एक साइकिल वाला घुस जाता है, अपने बस का नहीं है। तो ये सब चीजें होती है क्योंकि हमने प्रैक्टिस छोड़ दी। आप इस चैंट को हैबिचुअल बनाओ जब तक वो सबकॉन्शियस ना हो जाए, और फिर रोज थोड़ा थोड़ा ही सही करते रहो, आपका माइंड उस पैटर्न को अपने आप ऑटोमेटिकली चलाता रहेगा। और इसके क्या मिराक्युलस रिजल्ट्स हो सकते हैं उसकी कल्पना आज आप नहीं कर सकते, पर आपको बहुत टाइम बाद पता चलेगा कि हाँ इसका वास्तव में बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। ये वाली बात है। इफ देयर इज समथिंग यू वांट टू आस्क, यू आस्क मी, एनी ऑफ यू, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। एनीवन हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग, नहीं कुछ पूछना है? अच्छा सोनम निकल गई, किसी को कुछ पूछना है क्या? ओके फिर मैं सेशन बंद कर देती हूँ। ज्योति कुछ पूछना है? शिवानी कुछ पूछना है? नीतू कुछ पूछना है? ठीक है फिर मैं सेशन एंड करती हूँ, 10:30 बजे हम टैपिंग के लिए मिलते हैं। ओके गुड नाइट, वी मीट एट 10:30।